वेलकम टू माई चैनल चंदू वाली फैशन। आज की वीडियो में मैं आपको आगे ओपन नेक पीछे बॉट नेक का एडजस्टमेंट बताऊंगी। सिलाई स्टार्ट करते हैं। लंबाई हमारा 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, कमर 30 इंच, आर्म होल हमारा है 15 इंच और शोल्डर हमारा है 15 इंच। सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। पेपर में सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। 14 इंच हमारा लंबाई है तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन को लेकर चलेंगे तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 15 इंच पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। स्केल की सहायता से हम इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट नापने का अनुमानित नाप लेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच पर हम चेस्ट नापेंगे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये अनुमानित नाप है। एक आधार मानकर हम चल रहे हैं कि हम 6.5 इंच पर हम आर्म होल का गोलाई देंगे। उसके बाद हमारा चेस्ट है 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच हम रोजिंग देंगे। 1 इंच यहाँ पे हम रोजन दे देंगे। आगे ओपन नेक पीछे बॉट नेक के बॉट नेक पीछे की कटिंग है। उसके बाद हम कमर देख लेंगे। 7.5 इंच हमारा कमर है। 1 इंच का डॉट लगा देंगे। उसके बाद हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा हम 1 इंच 1.5 इंच बचाएंगे। उसके लिए मार्जिन लगाएंगे। स्केल की सहायता से हम सीधा खींच लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर देखेंगे। शोल्डर हमारा 7.5 इंच है। शोल्डर 15 इंच है, उसका आधा 7.5 इंच है। तो पीछे बॉट नेक बना रहे हैं तो शोल्डर आधा हम लेंगे, 7.5 इंच। उसके बाद हम क्रॉस बैक निकाल लेंगे। क्रॉस बैक निकालने के लिए जो 9 इंच हमारा है उसका आधा पे हम टेप लगाएंगे। उसके बाद 3.5 इंच, यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा क्रॉस बैक निकल गया। बॉट नेक और कॉलर वाली दोनों में हम क्रॉस बैक और क्रॉस फ्रंट इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद हम 3 इंच पर शोल्डर की पट्टी दे देंगे। यहाँ पे हम गला दे देंगे 3 इंच पे। 3 इंच हमारा बेस्ट होता है बॉट नेक के लिए। नाव टाइप से बना रहता है इसीलिए इसको हम बॉट नेक कहते हैं। शोल्डर डाउन कर लेंगे। शोल्डर डाउन हम 1/2 इंच करेंगे। 1/2 इंच से 1/4 इंच आप कर सकते हैं। अगर आप सिलाई में बेस्ट हो गए हैं तो आप 1/4 इंच करिए। मैं यहाँ पे 1/2 इंच करती हूँ। सिलाई सीख रहे हैं तो 1/2 इंच करिए और अगर आप बेस्ट हो चुके हैं तो 1/4 इंच करिए। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। राउंड शेप में आर्म होल की गोलाई देंगे हम। उसके बाद हम इसको नाप लेंगे। नापने का तरीका I'm not sure.
की गोलाई आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई प्रिंस कट, फोर डॉट या कटोरी कट, ब्लाउज का कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ, सिंपल सा एक एडजस्टमेंट बता रही हूँ। बॉट नेक का पीछे बॉट नेक, आगे ओपन नेक, हम कैसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ दे रही हूँ, उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे पीछे पल्ला की कटिंग हो गया है तैयार। इसके बाद हम टक्स लगाएंगे। यहाँ पे मैं डॉट लगा लेती हूँ, आधा इंच का डॉट लगाएंगे क्योंकि मैं एक इंच का मार्जिन यहाँ पे छोड़ी थी, तो मैं आधा इंच का लगाऊंगी। उसके बाद 4.5 या 4 इंच पर हम डॉट की लंबाई दे देंगे। यहाँ पे मैं टक्स लगा लेती हूँ। फिर हम यहाँ पर भी टक्स लगा लेंगे। हम सामने पल्ला की कटिंग करेंगे। याद रखें कि सामने पल्ला हम ओपन रखेंगे और पीछे पल्ला हम बॉट नेक रख रहे हैं। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हम पीछे में हुक आई नहीं दिए हैं, तो सामने में हम हुक आई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन ले लेते हैं। सिलाई मार्जिन के लिए आप जितना स्पेस छोड़े हैं उतने ही को आप दबाएंगे, नहीं तो टाइट हो सकता है या ढीला हो सकता है। सामने में हम ओपन गला रखेंगे। इसके लिए हम जो हमारा सीना का या चेस्ट का नाप है उसमें हम आधा इंच माइनस कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे हम शोल्डर में भी आधा इंच डाउन हो जाएगा और जो आर्म होल है उसमें भी आधा इंच, चेस्ट में भी हम आधा इंच का डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जो हमारा निशान लगाए हैं उसमें आधा इंच हम डाउन कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे हम जो हम टेक्स्ट लगाएंगे उसको रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारा सामने पल्ला थोड़ा सा टाइट हो गया है। आधा इंच हम जब यहाँ पे कम करेंगे तो आधा आधा इंच सभी जगह कम हो जाएंगे। उसके बाद हम जैसा का तैसा यहाँ पे उतार लेंगे। इसकी कटिंग बहुत सिंपल होती है, ज़्यादा हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा शोल्डर डाउन करेंगे, हल्का सा एकदम 1/4 इंच, और यहाँ पे आधा इंच या 1/4 इंच हम आर्म होल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गहराई देंगे, ज़्यादा गहराई नहीं देंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा गहराई दे देने से बहुत ज़्यादा खुल जाता है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। और यहाँ पे हम गोलाई देंगे। उसके बाद बस्ट पॉइंट लगा लेंगे। बस्ट पॉइंट हम 10 इंच पर लगाएंगे क्योंकि ये हमारा बॉट नेक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। यहाँ पे हम सामने में जो गला देना चाहेंगे वो गला दे सकते हैं। पीछे का बॉट नेक है, सामने में हम गला दे देंगे। गले की लंबाई हम 5 इंच ले लेते हैं यहाँ पे।
5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं गोल गला भी दे सकते हैं या जो चाहे आप जैसा डिज़ाइन चाहें वैसा गला आप दे सकते हैं।